एप्पल ने घोषणा की है कि वह 9 सितंबर को आईफोन 16 सीरीज लॉन्च करेगा। इस इवेंट में आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स के मॉडल्स पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही एप्पल कुछ और नए डिवाइस भी ला सकता है जिनका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस बीच आईफोन 17 प्रो मैक्स को लेकर नई जानकारी सामने आई है। एप्पल एनालिस्ट मिंग ची कुओ ने आईफोन 17 प्रो मैक्स के फीचर्स के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि आईफोन 17 प्रो मैक्स में 12GB रैम होगी और इसे अब तक का सबसे पावरफुल आईफोन बना सकती है। इसके अन्य मॉडल्स जैसे आईफोन 17, आईफोन 17 अल्ट्रा, आईफोन 17 प्रो और आईफोन SE4 में 8GB रैम मिलेगी। मिंग ची कुओ के अनुसार आईफोन 17 प्रो मैक्स में AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रैम होगी और थर्मल मैनेजमेंट के लिए ग्रेफाइट शीट का उपयोग किया जाएगा। इस मॉडल को 2025 में लॉन्च किया जाएगा और यह iOS 19 और ऑन डिवाइस AI फीचर के साथ आएगा। एप्पल 9 सितंबर को आईफोन 16 सीरीज लॉन्च करेगा जिसमें 4 मॉडल शामिल होंगे। इसके अलावा एप्पल के आईफोन 17 प्रो मैक्स के बारे में नई जानकारी सामने आई है जिसमें 12GB रैम और AI फीचर्स होंगे। यह मॉडल 2025 में लॉन्च किया जाएगा। मिंग ची कुओ के अनुसार यह अब तक का सबसे पावरफुल आईफोन हो सकता है। एप्पल इस बार की आईफोन सीरीज में नए बदलाव करने की तैयारी में है जो यूजर्स के लिए एक बड़ा अनुभव हो सकता है।